सो गाइस आप सब के लिए प्रेजेंट है ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर NS200 का आपका टोटल लेटेस्ट मॉडल, मतलब कि आपका अपडेटेड वाला मॉडल जो कि आप ब्लैक कलर में आप हमारे सामने देख सकते हैं। इस गाड़ी में कंपनी कुछ आपको अपडेट करके देती है, जैसे कि आप लाइट सेटअप देखेंगे वो आपका टोटली चेंज कर दिया गया है। साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाएगा, जहां से कि आप अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे और भी कुछ अपडेट करके देती है कंपनी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इस गाड़ी से आप माइलेज कितना का निकाल पाएंगे, इस गाड़ी का आपको टॉप स्पीड क्या है और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस सबसे पहले इसके की के साथ शुरुआत करें तो इसका आप यहाँ पे की देखेंगे जो कि आपको वेब डिजाइन में की दिया गया है, आपको पुराने वाले के जैसा ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिव्यू का स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप इसका लाइट पे देख सकते हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसमें आपको फुली एलईडी में आपको DRL लाइट देखने को मिलेंगे जो कि आपको दोनों ही साइड दिया गया, आपको जिगजैग पैटर्न में देखने को मिल जाता है। अफकोर्स आपको लाइट का इल्यूमिनेशन वो आपको अच्छे मिलेंगे और जो लुक है वो भी आपको अच्छे दिए गए हैं। इस जगह पे देखें आपको लो बीम और आपको हाई बीम दोनों ही लाइट देखने को मिलेगा, ये भी आपको फुली एलईडी में ही दिया गया है। वैसे आप इसका फ्रंट वाइजर देखेंगे जो कि पुराने वाले से आपको टोटली सिमिलर ही देखने को मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे कोई भी बड़े अपडेट नहीं देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको बजाज का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। इधर देखें इंडिकेटर की ओर जो कि इस गाड़ी का आपको तीसरा बदलाव किया गया है, पहले इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर देखने को मिलते थे बट अभी आप देखें जो कि आपको फुल्ली एलईडी में दे दिया गया है। साथ साथ इस गाड़ी में अभी भी आपको 1000 लाइट के पॉइंट आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। इस जगह पे देखे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका फ्रंट मडगार्ड देखेंगे जो कि आपको टोटली फेक कार्बन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हल्के ग्रे कलर के आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, पहले भी इसमें आपको डुअल चैनल ABS का आपको सपोर्ट देखने को मिलता था, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टिकर दिया गया। अप साइड डाउन आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो कि आपको टोटली ग्रे कलर के साथ दिए गए। फ्रंट डिस्क देखेंगे जो कि आपको 300 mm का दिया गया, दोनों ही चक्के में आपको ABS के प्लेट देखने को मिल जाते हैं और जो टायर है जो कि आपको यूरो ग्रिप कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। आपको आपको दोनों ही टायर ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे और टायर का जो साइज है जो कि आप यहां से देखेंगे जो कि आपको 100/80 सेक्शन के इसमें आपको यहां पे टायर दिए गए, जहां की आपको 17 इंचेस के आपको ग्रे कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे और यहां पे भी आप देखें जो कि आपको रेड कलर के साथ आपको स्टिकर दिया गया है। जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो यहां से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल में आपको कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, टोटली आपको पुराने वाले के जैसा ही देखने को मिलता है। इसमें आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी दिया गया है। ये जो पार्ट देखेंगे जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको 200 को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको हल्के से रेड कलर के टच देखने को मिलेंगे, इस तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी आपको रेड कलर का आपको स्टिकर दिया गया है। टैंक देखेंगे यहाँ पे आपको पल्सर को आपको मेंशन किया गया है जो कि आपको डार्क क्रोम के साथ देखने को मिलता है और ये जो पार्ट है जो कि आपको टोटली फाइबर के साथ ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो आपको टैंक पैड के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये जो गाड़ी है जो कि आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टिकर दिया गया है। क्लिप ऑन आपको यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है और इसका अगला बदलाव देख सकते हैं जो कि आप इसका चौथा बदलाव देखेंगे जो कि अब इसमें आपको फुल्ली डिजिटल में आपको मीटर कंसोल दे दिया गया है। साथ साथ इसमें अब आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और टर्न बाय टर्न आपको यहाँ पे नेविगेशन के भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसे मैं ऑफ करता हूँ फिर से ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेविगेशन देखने को मिल जाता है। ऊपर में देखें तो आपको टैकोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड लगे हुए उसके लिए आपको इंडिकेटर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं जो आपके आपको ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे आपको पेट्रोल कम है उसके लिए आपको रिफ्यूल लिखा हुआ जा रहा है। यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, गियर पोस्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है इस गाड़ी का, मतलब ये गाड़ी माइलेज क्या दे रही है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाली। यहाँ पे आपको ट्रिपोन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मोड बटन और यहाँ पे आपको सेट बटन दिया गया। इस वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे पल्सर का क्या डिवाइस का नेम है ब्लूटूथ का वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं जो कि आपको ट्रिप बी मिल जाएगा, फिर से दबाएंगे तो आपको ओडोमीटर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन दिए गए। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा। एक बार मैं फिर से ऑन करके फिर से ऑफ कराता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट और आपको यहाँ पे मिस कॉल अलर्ट हर एक आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएगा। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं जो कि आपको RPM का लाइट नहीं है, ये आपका ब्लूटूथ का आपको यहाँ पे लाइट दिया गया है और दोनों साइड आपको काफी कुछ इंडिकेशन दिए गए। अगले बदलाव की ओर देखा जाए जो कि अब इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट के भी आपको यहाँ पे स्लॉट देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पे पहले मिसिंग देखने को मिलता था। स्विचेस की ओर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको बदलाव किया गया है जो कि आप इसका यहाँ पे स्विच गियर क्वालिटी देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे एक मेन्यू बटन दिया गया। इस वाले बटन से भी इसके आप मीटर कंसोल को टॉगल कर पाएंगे और यहाँ पे भी आपको बटन दिया गया, वहां से भी आप टॉगल कर पाएंगे। आपका लेफ्ट टर्न, आपका राइट टर्न का स्विच और ये आपका होम का स्विच।
अभी भी इस गाड़ी में आपको सिंगल और हॉर्न देखने को मिलेंगे। इधर देखिए तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्विच दिया गया है, जो कि आपको लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पे आपको पासिंग के बटन देखने को मिलेंगे। क्लच देखिए, जो कि आपको बहुत ही हल्का रखा गया है, आपकी उंगली में कहीं से भी दर्द नहीं होने वाला है। इस तरफ देखे तो आपको एंड बार का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे इस गाड़ी का जो वाइब्रेशन उसे आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखे तो आपको इंजन ऑन ऑफ करने का दिया गया है, इस जगह पे इसका जो लाइट है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस जगह से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। सेल्फ स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे पहले इस गाड़ी का आपको साउंड को चेकआउट कराता हूं। अभी का जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, जो कि आपको आपको इंजन में अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। साउंड में आपको कोई भी बदलाव नहीं किए गए, आपको टोटली पुराने वाले जैसा ही देखने को मिलता है और इसमें आपको अंडर बिली एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे इस गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो आपको अच्छा मिल सके। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पिलियन का फुटेज दिया गया और इस जगह पे आपको राइडर के फुटेज देखने को मिलते हैं। सीट की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट दिया गया है, राइडर के लिए भी आपको चौड़ा सीट मिलता है और पिलियन का सीट देखेंगे ये भी आपको चौड़ा दिया गया है। सीट काउल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे NS200 को भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी आपको ग्रे और रेड कलर के साथ आपको स्टिकर देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक टाइप का आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आपको टोटली रेड कलर में देखने को मिलेंगे। बड़ा सा आपको यहाँ पे मैट स्लैब दिया गया है और टायर अगर देखेंगे ये भी आपको बड़े साइज के देखने को मिलते हैं। और रियर का जो डिस्क है ये भी आपको 220mm का दिया गया है और यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको ब्रेकिंग क्वालिटी है वो आपको अच्छा मिल सके। टायर की ओर देखा जाए तो रियर टायर आपको 130 सेक्शन के देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 17 इंचेस के आपको ग्रे कलर के अलॉय व्हील दिए गए हैं। जब गाड़ी के आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपको स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिया गया, रियर में आपको फुली एलईडी में आपको यहाँ पे लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा। इस जगह पे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया है, यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिलेंगे, इस जगह पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। जब गाड़ी के आप टोटली लेफ्ट साइड आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपको सारी और का ऑप्शन पहले से मिल जाता है, बट लेडीज फुटेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे। चेन जो आपको टोटली ओपन दिया गया है और यहाँ पे टायर में क्या हवा होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको 6 गियर का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको साइड स्टैंड और आपको मिडिल स्टैंड दोनों ही दिए गए और साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी फीचर्स दिया गया है। और ये आप देखें, जो कि आपको क्रैश गार्ड के ऑप्शन पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। और जब गाड़ी के इंजन के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है, जो कि आपको 199.5 सीसी का दिया गया है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको लिक्विड कूलिंग को सपोर्ट करने वाली है। और इसका आप यहाँ पे कूलेंट का बॉक्स भी देख सकते हैं, जिस जगह पे आपको मैक्सिमम और आपको मिनिमम को भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है। और फ्रंट में इसमें आपको रेडिएटर के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आप इस तरफ से देख सकते हैं। इस गाड़ी से जो पावर मिलता है, जो कि आपको 24.1 पीएस का पावर मिलने वाला है और साथ साथ आपको 18.74 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है, मतलब कि आपको पावर एंड टॉर्क में कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलता है। और इस गाड़ी से आप माइलेज देखा जाए तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज आराम से निकाल पाएंगे, अगर इस गाड़ी को आप इकोनॉमी जोन पे राइड करते हैं तो। और टॉप स्पीड जो इस गाड़ी का मिलता है, जो कि आपको लगभग 120 से 140 किलोमीटर पर आवर का इस गाड़ी में आपको टॉप स्पीड भी मिलने वाला है। और इस गाड़ी का जो वजन है, जो कि आपको मात्र 159.5 केजी का रखा गया है, मतलब कि लगभग आपको 160 केजी का इसका वजन रखा गया है, जिससे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है, आपको ज्यादा भारी फील कहीं से भी नहीं होने वाला है। और इसका जो सीट हाइट है, जो कि आपको 805mm का रखा गया है, अगर आपका हाइट 5.5 इंचेज है, 5.6 इंचेज है, तब कोस आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाएंगे। आपका दोनों साइड जो पैर है वो बहुत ही आपको इजिली अटने वाला है। तो अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। अभी फिलहाल देखा जाए, क्योंकि मैं रौनक बजाज रांची पे हूँ और यहाँ का इस गाड़ी का अभी का जो ऑन रोड प्राइस है, जो कि आपको 1,91,000 रुपीज रखा गया है। पुराने वाले से देखा जाए तो पुराने वाले का आपको ऑन रोड प्राइस 1,82,000 रुपीज देखने को मिलते थे, जो कि आपको लगभग 9,000 रुपए का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और 9,000 रुपए में आपको क्या मिलता है, आपको फुली आपको जो लाइट सेटअप है वो आपको टोटली एलईडी में दे दिया गया है, साथ साथ आपको इसमें आपको फुली डिजिटल में आपको मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जहाँ की आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है और आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के भी ऑप्शन दिए गए हैं। और इंडिकेटर भी आपको टोटली चेंज कर दिया गया है और आपको पुराने वाले से कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलता है। तो मैंने गाइस इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में, वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।